गुड मॉर्निंग महादेव हर। हम आ चुके हैं सोमनाथ। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि कहाँ पे स्टे करना है, डोरमेट्री कैसी है वगैरह का रिव्यू, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। सोमनाथ में ठहरने के लिए बेस्ट प्लेस है। और जयंशु भाई अपने खिलौनों के साथ रेडी हो चुका है। और ये है पूरा गेस्ट हाउस का एक व्यू, डोरमेट्री का व्यू है। तो चलो ये चलते हैं मंदिर की ओर। और ये आ गए हम जो मेन चौक है, वहाँ पे जेठा बाबा की धर्मशाला है। वहाँ पे स्पेशली जो लोग अभी रिसेंटली विजिट कर रहे हैं, ये है मेन एंट्रेंस जो पहले पीछे की तरफ हुआ करता था, वो अभी इस तरफ है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये गेट एग्जिट है। तो अगर आपको जाना है तो मैंने आपको जो गेट बताया वो गेट है एग्जैक्टली कार पार्किंग के सामने से जो रास्ता आता है उसके जस्ट सामने, या फिर ये जो जेठा बाबा धर्मशाला है उसके जस्ट सामने से मिलेगा आपको। और ये हैं श्री अमित सिंह जी गोहिल, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था जब सोमनाथ पे हमला हुआ था तब। और इनका एक मंदिर है जो कि सोमनाथ महादेव के बिल्कुल सामने ही है, जो इनके बलिदान का एक प्रतीक है। वहाँ पे इनकी पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि जो हमीर सिंह जी गोहिल थे, जब उनका सर कटा लेकिन धड़ लड़ रहा था, तो ऐसी खुमारी है जो हमारे प्राचीन योद्धा थे उनकी, तो उनके स्मरण में यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्मारक है। तो इनके चरणों पे भी सच सच नमन करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि एंट्रेंस अभी चेंज हो चुका है, तो जो भी अभी नए आ रहे हैं वो थोड़ा केयरफुल रहें। जो पुराना एंट्रेंस था वो अब एग्ज़िट हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो जेठा बापा की धर्मशाला है, उनके सामने जो एग्जैक्टली गेट पड़ेगा वो आपका होगा एंट्रेंस गेट। और जो हमीर सिंह जी गोहिल थे उनके पुतले के सामने जो गेट है वो गेट होगा अभी एग्जिट गेट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। मम्मी और जयंशु खड़े हैं यहाँ पे, जो आप शू या मोबाइल है वो रख सकते हैं। और हम लोग अभी दर्शन करने जाएंगे, तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे जाएंगे। ये है मंदिर का मेन प्रांगण। और ये पीछे देख सकते हैं प्रसाद के लिए भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, आपको अगर परचेस करना है तो कर सकते हैं। और पास में ही आपको लॉकर टाइप एक मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं बाहर की ओर। और ये देखिए प्यारे से डॉगी हैं खिलौनों के लिए। और बाहर ही आपको सारे खिलौनों की दुकान मिल जाएगी। आपको अगर फूल वगैरह कुछ लेना है या फिर कोई डेकोरेटिव चीज़ लेनी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको प्राइसिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब अपने पीक तक नेगोशिएशन करना है, बिकॉज ऑफ टूरिस्ट प्लेस आपको थोड़ा सा हाई रेट ही बताएंगे। ये हिना भी कुछ परचेस कर रही है, कुछ नेकलेस वगैरह उसने परचेस किया है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने हैं यहाँ पे, बैंगल्स वगैरह भी हैं। और अभी हम जा रहे हैं जो एक सी वॉक एरिया बनाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के लिए कुछ 5 या 10 रुपये पर हेड मिनिमम चार्जेस हैं, तो वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो अभी हम सारे टिकट्स वगैरह ले रहे हैं, पापा टिकट्स ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक विंडो है टिकट की, वहाँ से आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा। आई थिंक 5 या 10 रुपये ऐसा कोई मिनिमम चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ते हैं।
तो टिकट हमने ले लिया है और टिकट दिखा दिया है, अब हम चलेंगे सीसोर की ओर। बहुत ही प्यारा सी का जो व्यू है, बीच टाइप है, वो बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं पूरे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी अवेलेबल है, आप साइकिल भी किराए पे ले सकते हो। ये देखिए आप साइकिल्स भी देख सकते हो, और उसके पास में जो आपका पूरा गाइडेंस दी गई है कि आपको कहाँ से लेनी है साइकिल्स। तो अभी हम जा रहे हैं बीच की ओर, तो चलिए आपको बीच भी दिखाता हूँ मैं सोमनाथ का। अभी हम आ चुके हैं बीच पे, और ये है प्यारे से हनुमान जी की मूर्ति जो कि बिल्कुल बीच के पास पे लगाई गई है। यहाँ पे एक और मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, कैमल राइडिंग कर सकते हो, बट जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो ये है कि हम लोग एक स्पॉट ढूँढते हैं जहाँ पर बैठते हैं और समंदर की लहरों का आनंद लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा बीच है, और अभी तो सनसेट होने को आया है, तो एकदम ही शांत और एकदम ठंडा एटमॉस्फियर है। तो हम लोग बैठ के पूरा सी व्यू का आनंद ले सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, एक्टिविटीज़ भी है करने के लिए। तो आप यहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे, बच्चे भी यहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो आप हट जैसा एक देख रहे हैं वो पुलिस का भी था, तो सिक्योरिटी भी प्रॉपर है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये है बीच से सोमनाथ महादेव का जो मंदिर है उसका व्यू आप देख सकते हैं। बड़ी प्यारी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं ध्वजा जी के, जो सोमनाथ की ध्वजा है। और ये बीच के पास ही आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिसमें चाइनीज़ है, पानी पूरी भी है, आइस डिश भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारे स्टॉल्स अवेलेबल हैं, फास्ट फूड का भी स्टॉल है, और बच्चों के खेलने के लिए अलग से गार्डन भी एक छोटा सा, जो भी इसी एरिया के साथ अटैच है। ऐसी तीन रोज बनाई गई है, तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएगी, स्नैक्स, फास्ट फूड, आइस डिश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है पास में ही। अगर आपको साउथ इंडियन भी खाना है वो भी मिल जाएगा, हाइड्रेशन के लिए भी चीज़ें मिल जाएगी। तो एक तरह का पूरा आपका बीच ही है जहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर आप 4-5 घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हो, भूख भी लगती है, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है।
तो झूला देखते ही ज्यांशु भाई ने बोला कि मेरे को झूला झूलना है, तो हिना झूला झूला रही है। अभी यहाँ पे स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, तो ज्यांशु भाई अभी स्लाइड्स में भी जा रहे हैं। ये देखिए छोटी सी स्लाइड छोटे से ज्यांशु के लिए, ये देखिए पूरा एंजॉय कर रहा है ज्यांशु। अभी स्लाइड्स स्लाइड्स के बाद वो एक जो एक रोटेशन टाइप होता है वो भी है, और पीछे बिजली भी हो रही थी तो एक बहुत ही अच्छा नज़ारा था। ये देखिए जो पब्लिक का गार्डन, पब्लिक प्लेस में गार्डन है, तो ऑफकोर्स कुछ लोग हैं जो मतलब सीरियसली यूज़ नहीं करते, इनको ढंग से यूज़ नहीं करते, तो सिर्फ एक ही सीट बची थी, तो ज्यांशु को मज़ा आ रहा था, तो वो अभी पूरा लगा हुआ है अपने मज़े लेने में। और अभी एक बड़ा सा और झूला था, तो ज्यांशु भाई उसमें झूल रहा है, मम्मी पापा वो सब बैठे हैं समंदर के किनारे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम लोग हैं सोमनाथ में, जो मंदिर के पीछे का एरिया है उनको वॉक वे करके डेवलप किया गया है, सी वॉक करके। और एक तरफ का पोर्शन जो है, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा, वो है एक पूरा एक एंटरटेनमेंट के जोन पे तैयार किया गया है, जहाँ पे घोड़े ऊंट फिर अलग अलग शॉप्स वगैरह हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए वो थोड़ा डेवलप किया गया है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:15, बट अंधेरा होने की वजह से जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने मना कर दिया कि अब बस बहुत हुआ, अब जो भी समंदर के पास है वो वापस आ जाए। बट हाँ, आप वो वॉकवे में चल सकते हो। और ये देखिए ज्यांशु भाई यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, उनका मज़ा ले रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कौन सी राइड्स हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें खाने पीने के भी हैं, कुछ टैटू वगैरह के भी हैं। इसके आगे वाली लाइन भी है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो समंदर से निकलती है, जैसे कोई शंख हो गया, तो दो चार चीज़ें ऐसी भी है, और शॉप्स भी हैं बहुत सारे। और यहाँ पर अगर आपको समंदर के किनारे सिर्फ चलना है, तो एक वॉकवे करके पाथ बनाया हुआ है 1.5 किलोमीटर का, जो कि मंदिर के पीछे खुलता है, वो बहुत मस्त है, अच्छा डेवलप किया है। तो ये बहुत ही एक शांतिपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे ये देखिए ज्यांशु भाई अपने राइड के मज़े ले रहे हैं।